दोषी है, आप वंदे भारत चलाने की परिकल्पना कर रहे हैं, वंदे भारत चला भी रहे हैं, आप स्पीड ट्रायल कर रहे हैं, स्पीड ट्रायल में आप 130 सोचिए, सोचने वाली बात है कि 130 में आज ये कंडीशन है, बार बार ट्रेन डिलेल हो रही है, कहीं ना कहीं ट्रैक मेंटेनेंस की कमी को दिखा रहा है। वो अब रेलवे 160 का टारगेट रखा है, 160 का, जब 130 रेलवे को यात्रियों को गोल लगातनी समाचार बटुए बक्सर डुमराओं से बड़ा खबर आ रहा बटुए। देर रात मालगाड़ी भइल बेपटरी, रेल यात्री कल्याण समिति के महामंत्री उठैनी सवाल। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार। रेलवे कल्याण समिति के महामंत्री के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब कर ली, फेसबुक पेज पर देखतनी तो फॉलो कर ली। काल देर रात एगो मालगाड़ी जवन की पार्सल लेके पटना जात रहे, डुमरा और रेलवे स्टेशन के भीड़ी डिरेल हो गई, हड़कंप मची गई। कारण भी रहे कुछ दिन पहले ही रघुनाथपुर में नॉर्थ ईस्ट सुपरफास्ट एक्सप्रेस के सब बोगी पटरी छोड़ दल, चार गो बोगी तब पलट गई। जेकरा बाद काल देर रात्रि सोमवार के देर रात 10 के आसपास ई पार्सल गाड़ी भी पटरी छोड़ दिलस, जेकरा बाद रेल यात्री कल्याण समिति के महामंत्री राजीव रंजन सिंह रेलवे के लेके सवाल खड़ा कैले। कहले कि जहां सरकार वंदे भारत ट्रेन चलावे के बात करतिया, ओकर स्पीड 130 चलावे के बात करतिया, ई दशा देखला के बाद का कहल जा सकेला। यहाँ के कहनी कि ऐसन कुल घटना दुर्घटना के उच्च स्तरीय जांच होखे के चाही। यहाँ के डुमराव में भइल एगो घटना के भी जिक्र कर कहनी कि आज तक ओकर जांच के कोनो रिपोर्ट ना आई, सब लिपापोती हो गई। तो यह तरीका से यहाँ के कहनी कि जहाँ सरकार के मंसूबा बा कि हाई स्पीड ट्रेन चलावल जाओ, आ जहाँ हाई स्पीड ट्रेन के बात होत बड़ुए, हफ्ता में यह बक्सर जिला में ही 3-3 रेल के घटनाक्रम हो गई, जौना में एगो बड़ हादसा रघुनाथपुर स्टेशन के भीड़ी भइल। अभी सोमवार के जौन दृश्य चल रहा बा, मालगाड़ी अपन पटरी छोड़ दिलस, जेकरा बाद सवाल पैदा होखे लागल बटुए। रेल यात्री कल्याण समिति के महामंत्री का कहतानी बयान सुनी, शेयर करें। इस घटना की सूचना जैसे ही मिली, एक मिनट के अंदर मैं संयोग से स्टेशन पर ही था, दौड़ करके घटनास्थल पर आया। ये घटना डुमराव स्टेशन के पश्चिमी छोर में महावीर मंदिर और पुली रूम है डाउन, वहीं पर यह घटना हुई है। 644-40 के बीच की घटना है, वो संख्या संयोग है, सप्ताह में तीसरी ये घटना है। तो संयोग है कि इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बावजूद भी सब कुछ सामान्य हो जा रहा है, कि कहीं ना कहीं दैवी कृपा और ये डुमराव और जगन्नाथपुर की जो धरती है, देवों की धरती है, उसी का ये प्रकोप है। नहीं तो पूरी तरह से इस घटना में रेलवे के अधिकारी दोषी हैं। आप वंदे भारत चलाने की परिकल्पना कर रहे हैं, वंदे भारत चला भी रहे हैं, आप स्पीड ट्रायल कर रहे हैं, स्पीड ट्रायल में आप 130 सोचिए, सोचने वाली बात है कि 130 में आज ये कंडीशन है, बार बार ट्रेन डिलेल हो रही है, कहीं ना कहीं ट्रैक मेंटेनेंस की कमी को दिखा रहा है। वो अब रेलवे 160 का टारगेट रखा है, 160 का, जब 130 रेलवे को यात्रियों को और अपने रेलवे परिसंपत्ति की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो सोचिए कि 160 या मिनी स्पीड ट्रेन, मिनी बुलेट ट्रेन या बुलेट ट्रेन की परिकल्पना को आप कैसे जमीन पर उतार पाएंगे। ये सोचने वाली बात है। सिर्फ शब्दों में विकास कर देना और सिर्फ शब्दों में रेलवे में क्रांति ला देना, ऐसे नहीं होता है। हम लोग की मांग है कि इस घटना की, रघुनाथपुर की घटना की, डुमराव की घटना की, इसके पहले डुमराव में मुगु स्टैंड हुआ था, आज तक उसका कोई रिपोर्ट नहीं आया कि उस घटना के पीछे कौन, किसके यहाँ कमी था, किसकी लापरवाही थी, किसकी नेग्लिजेंसी थी, और इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा। जब भी घटनाएँ होती है उसकी लीकापोती हो जाती है। सोचने वाली बात है कि रघुनाथपुर में घटना हुई है, 23 रैक डिरल हो गया है, कभी 4, कभी जिला प्रशासन 6, कभी रेल प्रशासन कुछ और, ये आंकड़ा से काम नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं आप अपनी गलती को मानिए, एक्सेप्ट करिए और रेलवे के जो यात्री हैं आपकी जिम्मेवारी बनती है उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित कीजिए। धन्यवाद। आपका परिचय? राजीव रंजन सिंह, महामंत्री, पश्चिमी जोन रेल यात्री कल्याण संघ, अखिल भारतीय। धन्यवाद।